प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। एनसीआर में रियल एस्टेट के दामों में नरमी, कुछ बिल्डरों ने घटाए घरों के दाम। दामों में कटौती, लाखों तैयार घरों को बेचने की तरकीब या मार्केटिंग चार्ट। रिहायशी निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के निर्माण ने चमका दिया है रियल एस्टेट का कारोबार। आज के बुलेटिन की शुरुआत खरीदार के लिए एक खुशखबरी से। एनसीआर के बाजार में कीमतों में गिरावट के आसार पहले से बेहतर हो गए हैं। सोहना के अपने प्रोजेक्ट में रहेजा डेवलपर्स ने 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट कीमत कम कर दी है। ऐसे में अब कयास लग रहे हैं कि शायद देखा देखी में दबाव में आकर कोई और बिल्डर भी अपनी कीमतें कम कर दे, पर यह देखना होगा कि ये एक अदद मामला बनकर रह जाता है या एनसीआर के बाजार में एक नया दौर की शुरुआत बन जाता है। बिल्डर घरों के दाम घटाएंगे या नहीं और घटाएंगे तो कब, इस सवाल का जवाब आखिरकार मिलना शुरू हो गया है। कुछ बिल्डर्स ने ये कदम उठाया है। रहेजा डेवलपर्स ने गुड़गांव के नजदीक सोहना में अरण्य सिटी प्रोजेक्ट को 2500 रुपए प्रति वर्ग फुट पर लॉन्च किया है, जो उस इलाके की मौजूदा दर से 30 से 35 फीसदी कम है। दो साल से एनसीआर मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो 4000 रुपए फुट से ऊपर चले जा रहे हैं और कस्टमर जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा, और मूवमेंट नहीं होने से पूरी मार्केट जो है वो एक स्लो डाउन की फेज़ में चल रही है। जब कस्टमर ही अफोर्ड नहीं करेगा, जब कस्टमर ही उतने पैसे नहीं निकाल के देगा डेवलपर्स को, तो आप कब तक इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे? तो इससे बेटर यही है कि आप कॉस्ट के ऊपर जो है अपने मार्जिन्स को कम कर दो बिल्कुल, और उनको अपनी कॉस्ट पे ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी डेवलपर्स ऐसा करने के लिए राजी हो गए हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट फॉर एवरी डेवलपर डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, देयर स्पेक ऑफ द प्रोडक्ट। हर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की जगह और मकान के हिसाब से दाम तय करता है, इसलिए किसी डेवलपर ने अगर दाम घटाए हैं तो जरूरी नहीं कि बाकी भी दाम कम करेंगे। खरीदार ऐसी चालों को जानते हैं। Today is very smart. You know, they can see through all the, I guess, marketing gimmicks. फिलहाल ज्यादातर बिल्डर्स ने सीधे तौर पर दामों में कटौती करने के बजाय रियायतों या तोहफों का रास्ता अपनाया है। EMI सबवेंशन योजनाएं जिनमें 5:95 या 10:80:10 के हिसाब से भुगतान किया जा सकता है, यानी बुकिंग के समय कुछ रकम देने के बाद मकान मिलने तक EMI नहीं देना होता। जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं कि कोई बहुत रेट कट हो गया है या ऐसा है, तो क्या वाकई में बहुत रेट कट है या नहीं, उसके लिए ज़रूरी कि उसका लोकेशन कैसा है। अगर उसकी लोकेशन किसी प्राइम लोकेशन से बहुत दूर है, मेन रोड से उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, उसकी अगल बगल का माहौल क्या है, उसके अगल बगल में डेवलपमेंट अर्बन रूरल है कैसा बना हुआ है, वहाँ की जो आबादी है उसका रंग रूप क्या है, इन बातों पर सब पर डिपेंड करता है। प्रॉप इक्विटी के आंकड़े दिखाते हैं कि एनसीआर में जनवरी से लेकर मई 2015 तक 215,000 तैयार रिहायशी इकाइयां ऐसी हैं जिनकी बिक्री नहीं हुई। कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट में आज की रेट है, और अगर वो मैं एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में देखता हूँ, दोनों में करीब 15-20% का फ़र्क है, तो एक्सपेक्टेशन कस्टमर की बड़ी क्लियर है कि मार्केट में डेवलपर्स को प्राइस कट करना चाहिए, उसको एक अफोर्डेबल बनाना चाहिए टू अ सैलरीड क्लास। रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट किया है, अगर डेवलपर्स भी कर देते हैं तो मार्केट में बूस्ट आएगा इस चीज से। चेन्नई में दोषी हाउसिंग ने अपने प्रोजेक्ट में 25% दाम कम किए, लेकिन अब भी ऐसे बिल्डर्स की तादाद बहुत कम है। नई दिल्ली से
उनीतम ओझा, NDTV। और आपने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने का वक्त आ गया है, जिसके लिए हमारे साथ हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। तो चलिए पहले सवाल को ले लेते हैं। सुशांत दुबे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है विद इन नोएडा सेक्टर 46 एंड 45। जी, मैंने दो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे थे, एक गार्डेनिया ग्लोरी जो सेक्टर 46 में है, वहाँ का मुझे रेट पता चला था 4900, लेकिन फिर मुझे पता लगा, बल्कि मुझे पता है कि बिल्डर ने 3 साल डिले कर रखा है प्रोजेक्ट, और आई थिंक वहाँ OC सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं है। दूसरा मुझे सनवर्ल्ड वनालिका का पता लगा, जिसका रेट अराउंड 5500 स्क्वायर फीट है, पर मुझे ये नहीं पता है कि उस पर क्लियरेंस है कि नहीं है जी। और तीसरा मेरे को प्रतीक स्टाइल होम का पता लगा, बट दैट इज एस्टॉनिशिंग हाई, 7500। तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कि वेदर इट्स अ राइट प्लेस टू लुक एट द प्रॉपर्टीज एंड वेदर दीज प्रोजेक्ट्स ये सही प्रोजेक्ट्स हैं इस प्राइस पे कि नहीं है। तो वहां पर मैं आपकी हेल्प चाह रहा था, अगर आप मुझे इनके बारे में बता सकें या कुछ ऑल्टरनेटिव दे सकें। जी ज़रूर, हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, जो मेल में आपने हमको जो भेजे थे दो, उनके बारे में हम आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी दे पाएंगे और तफसील से जानकारी दे पाएंगे। तो यहाँ पर वैशाली, इन्होंने ख़ास तौर पे जब हमें मेल लिखी थी तो सनवर्ल्ड वनालिका जो है वो और गार्डेनिया ग्लोरी जो इन्होंने मेंशन भी किया है, इसके बारे में पूछा था। प्रतीक मेरे ख्याल से इन्होंने बाद में देखा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जो इलाका ये चुन रही हैं वो कैसा है, ख़ास तौर पर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जो रेट्स ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से जो इन्हें रेट्स मिल रहे हैं, ये सब ठीक है कि नहीं? सुशांत जी, सबसे पहले तो आपने ये भी पूछा है कि आप क्या ये सही समय है ख़रीदने के लिए, तो हम आपको यही कह सकते हैं, अगर आप एंड यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, इस टाइम पे ओवर सप्लाई की सिचुएशन है, तो आपको नेगोशिएटेड डील ज़रूर मिल सकती हैं और काफ़ी फ़ायदे की डील्स मिल सकती हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ ले रहे हैं, वहाँ का आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रॉन्ग डेवलपर है कि नहीं, एग्जीक्यूशन रिस्क ना हो उस प्रोजेक्ट में, तो आपको ज़रूर फ़ायदे होंगे अपने निवेश में। जो क्षेत्र आपने चुने हैं सेक्टर 45 और 46 के, ये हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, जो एक अच्छी बात है। एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन जो बोटानिकल गार्डन्स का मेट्रो स्टेशन है उसके काफ़ी करीब पड़ते हैं। नोएडा गोल्फ कोस्ट जो सेक्टर 38 में पड़ता है उससे भी प्रॉक्सिमिटी है सेक्टर की, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी काफ़ी क्लोज हैं, तो काफ़ी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इन सेक्टर्स के, और इस वजह से ये एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है आपके लिए। सेक्टर 107 भी एक अच्छा सेक्टर है जो चुना है आपने, स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है ये दादरी रोड पे, और गोल्फ कोस्ट जो प्रपोज्ड है सेक्टर 101 में उसके भी पास पड़ता है, एडजेसेंट है उससे, और उसका भी ज़रूर ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर इस पे असर करेगा। कुछ और आंकड़े आपको दिखाना चाहेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 के सेक्टर्स के, जिनके भीतर ये सारे सेक्टर्स पड़ते हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे 14 हैं, टोटल सप्लाई 10,420 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट्स 80 हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इन्वेंट्री ओवरहैंग काफ़ी हेल्दी है इस क्षेत्र का, 9 महीनों का इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 6,100 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखेंगे तो करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं वो करीब 9 से 10% के बीच में रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद चुने हुए हैं। सबसे पहला है सेक्टर 46 में गार्डेनिया इंडिया का ग्लोरी प्रोजेक्ट, 4,900 टू 5,200 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल मार्केट से मिल रहा है, तो दाम काफ़ी अच्छे हैं इसके, यहाँ के औसत दाम 6,100 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं। 3 BHK की 1,350 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये ओवरऑल प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो कुल मिला के 14 एकर्स पे करीब 21 टावर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 18 टू ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट की लोकेशन उसकी मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे, दादरी रोड और बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन सभी इसके काफ़ी करीब पड़ते हैं। बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन 3.8 किलोमीटर की दूरी पर है, दादरी रोड 1.4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और नोएडा एक्सप्रेसवे 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद इसमें प्राइस एडवांटेज है,
गार्डेनिया ग्लोरी में थोड़े एग्जीक्यूशन डिलेज रहे हैं. प्रोजेक्ट 2009 के बीच में लॉन्च हुआ था, उसके बाद एग्जीक्यूशन में थोड़ी देरी रही थी, लेकिन कुछ टावर्स 3 to 5 हैंडओवर किए गए हैं. इसीलिए हमें आपको यही एडवाइस इस पे हम देंगे कि सिर्फ जो रेडी टावर्स हैं उसमें निवेश करें, जिनमें डिलेज बने हुए हैं उसमें निवेश ना करें, क्योंकि ओवर सप्लाइड मार्केट है. बाकी सब हिसाब से एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे चुन सकते हैं. जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने सेक्टर 107 में चुना है, सन वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का वानलिका, 5,200 to 5,700 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल से मिल रहा है. 3 BHK की 1,405 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है. ये भी 2015 में तैयार हो गया है, हो जाएगा. प्रोजेक्ट जो है 7.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है, ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज की हाइट है. प्रोजेक्ट में फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स और कमर्शियल स्पेसेस भी दी जा रही हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इसकी नोएडा एक्सप्रेसवे और दादरी रोड से. प्रोजेक्ट मेन इंटरनल 75 मीटर की वाइड सेक्टर रोड पे लोकेटेड है, तो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की खास अच्छी है. पार्शली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, कुछ परिवार इसमें शिफ्ट इन भी कर चुके हैं. डिस्टेंसेस देखें तो बोटानिकल मेट्रो स्टेशन यहाँ से 5.6 किलोमीटर की दूरी पे है, दादरी रोड सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे है, और इसमें भी आपको एक प्राइस एडवांटेज मिल रहा है. लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ लीगल इश्यूज रहे थे पास्ट में, इसीलिए हम इसमें भी आपको यही राय देंगे जो रेडी टावर्स हैं उसी में निवेश करें, क्योंकि बाकी हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है. इसके अलावा हम आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की भी राय लाए हैं, वो है सेक्टर 45 में आम्रपाली ग्रुप का सैफायर, जो हमने आपके लिए चुना है 5,600 टू 6,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे. आप इसे रीसेल से खरीद सकते हैं. 3 BHK की 1390 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है. रेडी प्रोजेक्ट है ये, इसी साल तैयार हुआ है, इसीलिए फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिल रहे हैं. करीब 12% तक की अप्रिसिएशन इसके दामों में हुई है जब से ये लॉन्च हुआ था. 12.5 एकर्स पे कुल मिला के 25 टावर्स ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं इसके भीतर. ये यूनिटेक का गोल्फ और कंट्री क्लब जो है बना हुआ है उसके बिल्कुल पीछे लोकेटेड है, और 4 से 5 किलोमीटर दूर है ये बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन और अट्टा मार्केट से. फेज़ वन इसका हैंडओवर हो चुका है. प्रोजेक्ट बाकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स के भी काफ़ी करीब पड़ता है, और बेस्ट पार्ट प्राइस एडवांटेज इसमें भी है आपके लिए. तो आप देख रहे हैं, आपने जो सवाल पूछे थे उनके तो जवाब दे ही दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, वो है सफाया आम्रपाली ग्रुप का. इसमें भी आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं. हमारे साथ शशांक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. शशांक, पूछिए अपना सवाल. जी, मुझे अहमदाबाद में कोटेश्वर मोटेरा में एक घर देखा है मैंने. ये ऋषभदेव इंफ्रास्ट्रक्चर का शरण सफायर एक प्रोजेक्ट है. इसमें मेरा 1710 स्क्वायर फीट का एक घर है जो 2750 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे मिल रहा है, और मेरा बजट 45 लाख है. तो प्लीज़ आप बताइए कि इसके लिए सही रहेगा कि नहीं. जी ज़रूर. तो आप क्या मानती हैं, अहमदाबाद में ये जो इलाका है, क्या यहाँ इन्होंने जो पैसा लगाया वो ठीक है? शशांक जी, आपने मोटेरा का क्षेत्र चुना है. मोटेरा एक वेल डेवलप्ड माइक्रो मार्केट है अहमदाबाद में, और सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइव होती है इसकी वजह से. मोटेरा की कनेक्टिविटी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है. काफ़ी मेजर रोड्स इसे कनेक्टिविटी देती हैं, जैसे SP रिंग रोड हो, या फिर अहमदाबाद गांधीनगर एक्सप्रेसवे हो, या फिर 120 फीट की वाइड इनर रिंग रोड हो. तीनों से मेजर आर्टीरियल रोड से इसे कनेक्टिविटी मिलती है. इन्फो सिटी जो गांधीनगर में लोकेटेड है वो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है इस क्षेत्र से, और कोबा सर्कल से ये काफ़ी वेल कनेक्टेड है इसकी तरफ भी, जो एक कमर्शियल हब है, और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो ज़रूर इस क्षेत्र को पसंद करते हैं. कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे मोटेरा के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले. अपार्टमेंट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको. कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ 35 हैं. टोटल सप्लाई 3,110 यूनिट्स की है. उपलब्ध यूनिट्स सिर्फ 60 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग 8 महीनों की चल रही है. मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,200 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर ट्रेंड्स को देखें तो करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स.
अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने मोटेरा में ऋषभ देव इंफ्रास्ट्रक्चर का शरण सैफायर प्रोजेक्ट चुना है। 2,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,710 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2014 में ही ये तैयार हो गया था और फ्रेश कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट के ये हैं कि मोटेरा कोटेश्वर रोड पे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, काफ़ी बुटीक और कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है। 7,000 स्क्वायर यार्ड्स पे इसे बनाया गया है। कुल मिला के सिर्फ 3 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज के। फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये और अमेनिटीज़ इसमें काफ़ी अच्छी हैं। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है, इसीलिए कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है इसके भीतर। प्राइस एडवांटेज आपको अभी भी मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में। हम तो आपको यही राय देंगे कि आप इसे चुनें क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। आसपास का डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 5 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट से और 12 किलोमीटर की दूरी पे है इन्फोसिटी से, इसीलिए ये ज़रूर आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। इसके अलावा आपके लिए दो और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। सबसे पहला है मोटेरा में ही सोहम ग्रुप का देव प्राइड प्रोजेक्ट। 3,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,179 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1,629 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। आपके बजट के भीतर है ये और 2015 में ही ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, तो फ्रेश कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस मिलेंगे आपको। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है और इसमें आपको एक 1179 स्क्वायर फुट की यूनिट 45 लाख के भीतर आसानी से मिल रही है, ऑल इंक्लूसिव टेरेस राइट्स के साथ, जो एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर में रिटेल दिया जा रहा है आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भट्ट मोटेरा लिंक रोड पे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। SP रिंग रोड के भी काफ़ी पास है, तो कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर पड़ता है। दूसरी राय आपके लिए मोटेरा में कलिका ग्रुप का 3rd I Residency 1, जो आप 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। इसके भीतर भी आप 2 BHK की 1,215 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1,557 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। ये भी 2015 में दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, तो आपको इसमें भी फ्रेश कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस मिलेंगे जल्द ही। इस प्रोजेक्ट में भी रिटेल बनाया जा रहा है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे। स्ट्रक्चर इसका बन चुका है और एंड ऑफ द ईयर तक इसकी पोजेशन पूरी तरीके से हो जाएगी। बेसिक अमेनिटीज़ मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन प्राइस एडवांटेज ज़रूर है आपके लिए। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए हैं यहाँ वैशाली ने। देव प्राइड सोहम ग्रुप की तरफ से है और 3rd I Residency 1 है कैलिका ग्रुप की तरफ से। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अपने खुद की चॉइस के अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य हैं, उन्होंने हमें अपना सवाल ईमेल के ज़रिए भेजा है। वो कहते हैं कि वो हैदराबाद में रहते हैं और उनको कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट सुझाइए। जो इलाका उनको पसंद आ रहे हैं वो है बेसिकली गचीबावली है, इसके अलावा चंदन नगर है, मियाँपुर है। वो ये जानना चाहते हैं कि इस इलाके में अगर उन्हें 3 BHK का मकान चाहिए लेकिन बजट 75 से 80 लाख का हो तो क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आदित्य जी, और आपके चुनिंदा मार्केट्स में से हमने गच्चीबौली और मियाँपुर सेलेक्ट किए हैं, सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट्स हैं ये। गच्चीबौली जो है एक IT हब है अपने आप में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी मिलेंगी IT हब होने के अलावा। साथ में इसे एक स्पोर्ट्स हब भी माना जाता है अपने आप में, तो काफ़ी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस एरिया के। मियाँपुर हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये गच्चीबौली और हाईटेक सिटी जैसे मेजर ग्रोथ ड्राइवर और कमर्शियल हब से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल अमेनिटीज़ है, इसीलिए रिहाइश के लिए इस क्षेत्र को काफ़ी पसंद किया जाता है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं दोनों माइक्रो मार्केट्स के। सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो गच्चीबौली में 6 हैं और मियाँपुर में करीब 12। टोटल सप्लाई गच्चीबौली में 2,470 यूनिट्स की है और मियाँपुर में 1,750 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स गच्चीबौली में 620 हैं और मियाँपुर में करीब 330 यूनिट्स उपलब्ध हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग गच्चीबौली में 22 मंथ्स का चल रहा है और मियाँपुर में सिर्फ 12 महीनों का। मिड सेगमेंट के औसत दामों पर नज़र डालें तो गच्चीबौली में औसत दाम है 4,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और मियाँपुर में करीब 3,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है।
दामों में बढ़त पिछले ढाई सालों में अगर ट्रेंड्स को देखें तो गढ़चिरौली में करीब 22% तक की देखी गई है और उसी दौरान मियाँपुर में करीब 18% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को गढ़चिरौली में 8 से 9% के बीच में रहे हैं और मियाँपुर में करीब 7% तक के रहे हैं। अब आते हैं आपके रेकमेंडेशंस पे जो हम आपके लिए चुन के लाए हैं। सबसे पहला है गढ़चिरौली में पटेल रियल्टी का स्मॉन्डो, जो आप 4900 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1435 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, 2017 में ये तैयार हो जाएगा। ये बोटानिकल गार्डन्स के काफ़ी करीब लोकेटेड है और काफ़ी कमर्शियल डेस्टिनेशंस इसके आसपास हैं, जैसे हाईटेक सिटी और DLF साइबर सिटी। लैंड एरिया इसका 4.5 acres का है, 2 towers बनाए गए हैं ग्राउंड प्लस 15 floors के, और जो हफीज़ पेट का मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी राय मियाँपुर में लेजेंड एस्टेट्स का लेजेंड कोकोनट ग्रोव प्रोजेक्ट है, 3500 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 2117 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, ये 2016 में तैयार हो जाएगा। 7 acres पे 4 blocks बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 9 stories के, 2 phases में इसे बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट। मियाँपुर रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और मियाँपुर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लास्ट रिकमेंडेशन आपके लिए दिव्या श्री शक्ति ग्रुप का दिव्य श्री शक्ति 2 मियाँपुर में लोकेटेड प्रोजेक्ट है ये, 3500 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1960 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, ये अगले साल 2016 में तैयार हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। प्रोजेक्ट 20 acres पर बनाया जा रहा है कुल मिला के, जिसमें रेजिडेंशियल 9 acres पर बनाया जा रहा है। 77% एरिया ग्रीन स्पेसिस की तरह छोड़ा जाएगा और प्रोजेक्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। तो आपका चुना हुआ इलाका और आपकी यूनिट साइज आपके लिए लाए हैं स्मोंडो पटेल रियल्टी की तरफ से, दूसरा है लेजेंड कोकोनट ग्रोव लेजेंड एस्टेट्स की तरफ से, और दिव्या श्री शक्ति 2 दिव्या श्री शक्ति ग्रुप की तरफ से। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझने हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही प्रोजेक्ट ट्रैकर में हम आज आपके लिए ला रहे हैं बेंगलुरु के बेल्लारी रोड का उभरता प्रोजेक्ट।